हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद प्रिया देव। तो आज हम देखने वाले हैं इजी सा सिंपल सा दाल तड़का जो काफी टेस्टी और यमी लगता है। आप इसे रोटी, नान या राइस के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स में। ये मैंने लिया है मूंग दाल, इसको मैंने 1 विसल कुकर में रख के लिया है। देखिए काफी अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम लेंगे ऑनियन, 1 फुल ऑनियन लिया है चॉप करके, ड्राई रेड चिलीज, करी पत्ता और 3 to 4 गार्लिक और जीरा, इन दोनों को हम कूट के रखेंगे। फिर मैंने लिया है राई और हल्दी पाउडर और धनिया पत्ता। यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए मैंने कूट के रखा है। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को थोड़ा गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होते ही हम डालेंगे इसमें 2 teaspoon ऑफ ऑयल, ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon ऑफ राई। राई फूटते हमने जो कूट के रखा है गार्लिक और जीरा उसे डाल के अच्छे से सौटे कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। अब ये सारे ड्राई चिलीज, ऑनियन एंड करी पत्ता, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, 1/4 teaspoon हींग, इसे भी सौटे कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से सौटे कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया बॉईल किया हुआ मूंग दाल, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे ताकि कंसिस्टेंसी बराबर आए। जैसे कुक होगा तो गाढ़ा हो जाएगा दाल, तो लग रहा है ना टेस्टी ढाबा स्टाइल। इसे हम अच्छे से बॉईल में लाएंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से बॉईल में लाएंगे इसे। मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डालेंगे जिससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है, जरूर ट्राई कीजिए। अभी देखो पानी जैसा है दाल, जैसे ही आप कुक करोगे तो गाढ़ा हो जाएगा। अच्छे से बॉईल आ गया है दाल में, इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, फिर हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 teaspoon। हमारी दाल एकदम मस्त से खुशबूदार यम्मी सा रेडी हो गया है। चलिए प्लेटिंग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।